नमस्कार। गरुड़ पुराण की कुछ ऐसी नीतियां जो आपके जीवन को सफल बना सकती है, जो आपके जीवन में सुख शांति ला सकती है। गरुड़ पुराण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वामन पुराण, नारद पुराण, कुल 18 पुराण है। इसमें गरुड़ पुराण भी एक है। वैसे सामान्य तौर पर गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद किया जाता है। इसमें जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है इस पुराण में। लेकिन इस पुराण में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकती है। वो ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां क्या है जो मैं आपको बताऊंगा। गरुड़ पुराण की सबसे पहली नीति कि जब तक आपको सफलता न मिले हार मत मानना और धैर्य मत छोड़ना। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सफलता के अंतिम पड़ाव तक धैर्य रखता है, पेशेंस रखता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। कहते हैं कि बहुत से लोग सफलता पाने से पहले ही अपना धैर्य छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जब तक आपको सफलता न मिले हार मत मानना और जब तक आपको सफलता न मिले धैर्य मत छोड़ना। यह बात अगर याद रखोगे ना तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात गरुड़ पुराण में कही जाती है कि अपने विचारों की पवित्रता रखना। मन वचन कर्म से किसी का गलत मत करना। कहते हैं इस पुराण में अगर आप मन वचन कर्म से किसी का गलत नहीं करते हो, मन वचन कर्म से किसी का गलत नहीं सोचते हो ना, तो ऐसे व्यक्ति का स्वयं भगवान भी साथ देता है, स्वयं परमात्मा उसके साथ खड़ा रहता है। तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में अपने विचारों को गंदा मत होने देना, अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखना, अपने विचारों में नेगेटिव थॉट आने मत देना। अगर नेगेटिव थॉट आए तो भी उसको दबा देना। कैसे दबाओगे? पॉजिटिव विचारों से, आध्यात्मिक विचारों से और प्रभु का ध्यान करके उन नेगेटिव विचारों को दबा देना। आपकी सफलता निश्चित। तो विचारों की पवित्रता जरूर रखना। अगर विचारों की पवित्रता होगी ना तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका थर्ड और महत्वपूर्ण नीति है वाणी पर कंट्रोल रखना, अच्छा बोलना। गरुड़ पुराण की नीति कहती है कि जो व्यक्ति अच्छा बोलता है, जिस व्यक्ति के मुंह से फूल बरसते हैं ना, उसकी सफलता निश्चित है। कहते हैं ना कि व्यक्ति सिर्फ अपनी बोली से ही शत्रु बनाता है और अपनी बोली से ही शत्रु को मित्र बना देता है। अपने मुंह से कभी गाली गलौज का प्रयोग मत करना, कभी तू तड़ाक से मत बोलना और कभी भी किसी को एरा गेरा मत बोलना। जब भी बोलो तो ऐसे बोलना कि मुंह से फूल बरसते हैं, हेलो हाय और आप के बुलाना, किसी को तू मत बुलाना और ऐसे बोलना, विनम्रता से बोलना कि सामने वाला आपकी बोली का कायल हो जाए, आपकी तारीफ करते हुए थके नहीं। तो ध्यान रखना, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना, अपनी बोली पर कंट्रोल रखना। जिस दिन इसके ऊपर आपने कंट्रोल कर लिया ना, उस दिन आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि सफलता आपको देर से मिले, लेकिन अगर आपकी वाणी सही हुई ना, आपकी बोली सही हुई ना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गरुड़ पुराण की चौथी नीति है कमाई से ज्यादा खर्च मत करना और कमाई से ज्यादा दान मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कमाई कम होती है और खर्चा करते ज्यादा, उलूल जुलूल और फिजूल खर्चे करते रहते हैं और एक दिन ऐसा होता है ना उनके ऊपर कर्जा हो जाता है और फिर वो कर्जा उनसे नहीं चुकता। क्यों नहीं चुकता है? क्योंकि कमाई से ज्यादा तो कर्जा है, फिर कैसे चुकेगा? और बहुत से लोग क्या करते हैं, शो ऑफ, दिखावे के चक्कर में कमाई से ज्यादा दान दे देते, बड़े दान दाता बनते हैं। और यार वो तो बहुत दान देता है यार, वो तो दानवीर है। ध्यान रखना, जब आपके पास में कमाई लिमिटेड है ना तो दान भी लिमिटेड करना। दूसरों के दिखावे के चक्कर में दान मत करना। अगर दूसरों के दिखावे में दान करोगे और लिमिट से ज्यादा दान करोगे ना, तो उस दान का फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। भगवान स्वयं भी कहते हैं और गरुड़ पुराण की नीति भी कहती है कि कमाई से ज्यादा दान मत करना। अगर कमाई से ज्यादा दान किया ना, तो वह दान कभी आपको फलीभूत नहीं होगा।
फिफ्थ और महत्वपूर्ण नीति, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना। गरुड़ पुराण की एक महत्वपूर्ण नीति है कि इंसान अपने गुस्से से सब कुछ खत्म कर देता है। जिस इंसान अपने आप को कंट्रोल में नहीं रखता है, जो इंसान गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख सकता, उस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। तो सफलता पानी है और कुछ बड़ा करना है तो गुस्से पर कंट्रोल रखना। तो गरुड़ पुराण की कुछ ये महत्वपूर्ण नीतियां हैं, ये पांच महत्वपूर्ण नीतियां जो आपके लाइफ को सफल बना सकती है, सक्सेस बना सकती है और आपको दुनिया में चमका सकती है। ध्यान रख लेना।